क्या मस्त आ रहा है। कर कर स्टार्ट कर कर ये देखो वाइजर अभी पिछले वाइज। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे रहेंगे। तो यार एक चीज़ दिखाऊँ आपको, अभी दिखाता हूँ, रुको एक मिनट यार, वेट तो करना पड़ता है ना हर कुछ चीज़ के लिए। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। अरे आए हाय, देखो भाई इसको तो आप पहचान गए होंगे कौन सी बाइक है ना। और ये तो भाई लोहे का डब्बा, उसको तो भाई भूल ही जाओ है। तो भाई अपनी फाइनली जो बीस्ट आ गई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चेंज हुए। चेंज तो क्या यार, देखो इसमें सब चीज़ नया है। अरे नई बाइक आई है भाई, पुरानी थोड़ी आई है, नई बाइक आई है, ठीक है। तो इसमें ना जो मैंने रैप वेप करवा रखा था ना पहले, भाई वापस से मेरे को करवाना पड़ेगा सारा जो रैप है इसका ना, सब 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 खलास हो गया। अरे एक चीज़ थोड़ा सा ना रैप का मेरे को देखो यहाँ पे वो दिखा है, ये वाला रैप हुआ पड़ा है, ये वाला वही है, ये वाला पीस। तो ये रैप तो करवाना पड़ेगा। मैं यार मेरे को सजेशन दो, मैं वही वाला रैप करवाऊँ या फिर दूसरा वाला रैप करवाऊँ। और आगे से देखो कुछ ऐसी लुक आ रही है। मैंने ना इसमें विंगलेट लगा दिया, विंगलेट आपने देखी होगी ना, विंगलेट मैंने ना पहले से मतलब ला के रखी थी। तो विंगलेट मतलब मैं पहले ही ले आया था यार, उसमें ना मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी बाइक को लाने की, तो विंगलेट मैं इसमें पहले ही ले आया था। और पीछे का मडगार्ड मेरा वही पुराना है, टेल टाइडी मैंने हटा के रखी है इसकी, पहले से जैसे थी ना वही है, टेल टाइडी हटा के मतलब घर पे रखी हुई है। मेरे नंबर प्लेट पीछे की और आगे की दोनों तरफ की नहीं है। अब पुलिस वाले रोकेंगे तो देखते हैं भाई। अब नई बाइक है, नंबर प्लेट तो आई नहीं है, पहले भी मेरे साथ यही सीन हुआ था और अभी भी यही हुआ है, ठीक है। देखते हैं अगर पीछे वाली अपन इसमें नंबर प्लेट लगवा सकते हैं तो पीछे वाली में नंबर प्लेट लगवा दूंगा। और आगे वाली नंबर प्लेट अभी आई नहीं है, मैंने ऑर्डर करी है, आगे वाली नंबर प्लेट आएगी, टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा। और ये तो आप देख ही सकते हो भाई, रॉयल एनफील्ड। देख एक मिनट, ये देखो भाई दोनों की लुक्स देखो, ये देखो क्या मस्त लगती है। और बहुत मतलब ऐसे ना बहुत वाइड वाइड बाइक हो जाती है, बहुत जगह घेरती है ये वाली बाइक, और अपनी तो भाई पूरी कॉम्पैक्ट बाइक है। ये देखो वैसे बराबर लग रही है दोनों खड़े में। एक बार मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, ये है क्या मस्त लग रही है। तो फाइनली मैं अपनी बाइक के बारे में बात कर लेता हूँ, मेरे को इसमें क्या क्या चेंजेस लगे। और दो महीने के बाद आई है, कोई प्रॉब्लम वगैरह मेरे को आ रही है नहीं आ रही? तो भाई कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसको चलाने में, थोड़ी बहुत छोटी छोटी इशू है वो मैंने दिखवा लिए थे। तो उसमें मेरे को ये बोल रहे थे यार, दो महीने तक मतलब तेरी बाइक खड़ी रही ना, तो उसमें मतलब स्टार्ट करिए दो महीने के बाद, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा हल्का सा चलाने में उसको। तो बाकी तो सब चीज़ अपना फ्रेश पीस है एकदम। इसकी ना वो आते हैं ना इस पे लगे जो कवर ओवर आते हैं ना भाई, मैंने ही हटाए थे हैं, मैंने ही हटाए थे, वो आए थे जब ही। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यार, इसमें ना मैं वाइज़र लाया था, वाइज़र एक बार आपको मैं वाइज़र दिखाता हूँ, बड़ा वाला वाइज़र। यार मेरे को एक बार कमेंट करके बताना इसमें बड़ा वाला वाइज़र लगाओ कि छोटा वाला वाइज़र लगाओ। मैं वाइज़र दिखा देता हूँ, इसमें मैं वाइज़र लगाऊंगा, देखो एक मिनट रुको, ये देखो वाइजर अभी पिछले वाले कैमरे से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे लगा के दिखाऊंगा यार, मैंने कल लगा मतलब ट्राई करा था लगा के ना, मतलब मेरे से लग नहीं रहा था ये, तो मेरे को लगवा के लाना पड़ेगा ये जाके की ना। तो जाऊंगा मैं यार शायद आज जाके, या फिर जो भी है मैं आपको मॉडिफिकेशन की वीडियो डाल दूंगा। बाकी मेरे को ये बताओ यार बड़ा वाला वाइजर कैसा लगता है, डिफरेंट है ये? एक बार दिखाना इसको लगा के, ये देखो ऐसा आप इसको एक बार देख लो, ये देखो ये कुछ उस तरह फिट हो जाएगा यार, क्या लुक आ रही है गाइस, ये देखो चेक करो मस्त लग रहा है ना। अभी हटा इसको, और हटाने के बाद कुछ ऐसी लगती है। और छोटा वाला वाइजर जो आता है ना, मैंने साहिल की वीडियो में भी दिखाया था, इतना आता है वो, मीटर तक ही रहता है वो, ऊपर तक नहीं आता। वैसे अगर इसको अपन लगा लेंगे ना तो अरे भाई लाइट बढ़ा दी। और यार तेरा मुँह पर लगाए वाइजर, मुँह पर लगा एक बार वाइजर, ये देखो भाई और मस्त लग रही है तेरे में कसा वाइजर को। तो भाई एक बार ना दोनों की मस्त साउंड दिखाता हूँ, अपनी बाइक की भी आपको साउंड सुनाता हूँ कैसी लगती है, मस्त है, और उसकी भी आपको साउंड सुनाता हूँ, दोनों की देखना। वैसे तो यार बुलेट की तो ज़्यादा भटभट आएगी, अपने तो साइलेंट बाइक है, दोनों की आवाज़ सुना तो चल आवाज़ सुना छोरे, आवाज़ सुनो भाई। इसमें लॉन्ग पंजाब लगा है, ऐसे लॉन्ग पंजाब लगा ना रे, पता नहीं इसमें ना ये साइलेंसर मॉडिफाइड है इसका, लॉन्ग पंजाब है शायद मेरे को लग रहा है, बाकी तो पता नहीं मेरे को। भाई स्टार्ट करेगा, ये देखो अभी स्टार्ट कर छोरे। कर भाई इसकी ना यही प्रॉब्लम होती है भाई, बुलेट स्टार्ट ही नहीं होती भाई। अभी स्टार्ट करेगा छोरा, कर स्टार्ट कर बाइक लेकर। तो भाई अभी फाइनली अपने को ना रिहान स्टार्ट करके दिखाने वाला है बाइक को, एक कर दो यार, दो में ही कर दिया यार भाई रिहान ने दो में, रुक जा एक मिनट रुक जा, अभी मैं साउंड जब बोलूँ ना, जब साउंड सुनाना है ना भाई, इसकी साउंड सुनाता हूँ मैं एक बार आपको, रुको यहाँ से थोड़ी सी थ्रोटल माल हल्का सा भाई ना, बस बंद कर दे, आगे करके बंद यार, मैं आपको ना ज़्यादा साउंड नहीं सुना सकता क्योंकि मैं घर में हूँ अभी, और घर में भड़बड़ करूँगा।
पड़ोसी परेशान हो जाएंगे, पड़ोसी पड़ोसी परेशान हो जाएंगे। तो भाई ले आ जा। तो अब अपनी बाइक की मैं साउंड सुनाता हूँ, अपनी बाइक की बाइक साउंड सुनाता हूँ, मेरा कैमरा पकड़। तो गाइस मैं आपको अपनी बाइक की साउंड सुना देता हूँ। एक बार जब से आई आपने साउंड नहीं सुनी होगी, इसकी तो सुनी लिया आपने। टोटल कर लो भाई, भाई लुक देखो एक बारी, लुक दिखा जैसे क्या मस्त आ रहा है, मस्त लुक आ रहा है। अभी पीछे साउंड सुना एक बार। तो गाइस देखो मैं ये देखो, ज़्यादा थ्रोटल मारूंगा ना तो घर वाले भाई मेरे को थ्रोटल मार देंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो अभी आपने भाई अपनी बीट देख ही ली, तो भाई अपनी बीट फाइनली घर पे आ चुकी है। और इसमें जो भी मॉडिफिकेशन होगा, जो भी कुछ होगा ना, सारी मैं आपको वीडियोस दे दूंगा, है ना। अब की वजह आज के बाद से सारी वीडियोस रेगुलर आने लगेंगी। एंड और इसमें मैं मॉडिफिकेशन करवाने वाला हूँ वाइजर वगैरह की, एंड इंडिकेटर आपको इंडिकेटर दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। इसके इंडिकेटर ना पहले से डिफरेंट है गाइस, ये देखो आप। अब मुझे नहीं पता आपको दिख रहे हैं कि नहीं, लेकिन पहले से डिफरेंट है ये इंडिकेटर। आईडी है उसमें आपको दिखाऊंगा, अगली वीडियो में दिखाऊंगा। पहले इंडिकेटर इसके अलग थे, अभी इसी के इंडिकेटर थोड़े से अलग है। मेरे को ये बताओ ये वाले इंडिकेटर कौन सी बाइक में लगते हैं यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सी वाली बाइक में इंडिकेटर लगते हैं। बट कोई बात नहीं भाई, ओरिजिनल है इतना तो मेरे को पक्का पता है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने लगवाए थे। और ये विंगलेट बताना भाई, विंगलेट मैंने घर पर ही लगवाई है, कैसी लग रही है थोड़ा सा इसका मेरे को रिव्यू देना। वैसे तो अच्छी लग रही, मेरे को तो ठीक लग रही है यार पर्सनली। तो बाकी इसमें रिंग लाइट, आईज एंड रैप का मॉडिफिकेशन आना बाकी है। तो गाइस ये अपनी बीस्ट खड़ी कुछ ऐसे देखो, धूप मस्त खुल गई है। अब अपनी बीस्ट को धुलाई करेगा, देखो गाइस रिहान अपनी बीस्ट की करेगा धुलाई, है भाई रिहान। तो भाई रिहान अपनी बीस्ट की धुलाई कर रहा है, बोल रहा है यार इसको धुलाई लिया, अब बहुत दिन में घर में आई है ना, तो भाई धुलाई तो बनती है। अब रिहान करेगा बाहर लेके जाके इसकी धुलाई, और मैं देखूंगा इसको खड़े खड़े, यार मैं भी करवाऊंगा रिहान की हेल्प। इधर करेगा, इधर यहाँ पे करेगा धुलाई, तो मैं भी हेल्प करवा दूंगा रिहान की। गाइस यार लुक्स देखो यार सामने से, क्या मस्त आ रही है। ले लिया आ जा रिहान लेके फटाफट से, भाई रिहान बहुत मेहनत कर रहा है यार। भाई रिहान को बहुत सपोर्ट करो यार, रिहान को ना सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार। कोई अगर बंदा खाली घर पर बैठा हो ना, तो आ जाओ भाई धुलाई करवाने के लिए। तो अपने बीस्ट को अरे बाहर तो लेके चल, इसको बाहर तो लेका, ओए बाहर लेका इसको। तो गाइस एक बार पानी भर रहा है रिहान, देखो वो देखो पानी भर रहा है एक बारी। अब इसको बाहर लेके जाएंगे, फिर करेंगे धुलाई। क्या बात है यार, थोड़ी गंदी सी होके रखी है, देखो पीछे जब इसको लेके आया था ना, बारिश का मौसम चल रहा है ये देखो यार, थोड़ा सा इसमें ना मिट्टी विट्टी हो गई, ये देखो गाइस। अब इसको लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा, ले जा भाई करेगा धुलाई खड़ी करके। तो गाइस रिहान ने अपनी बाइक अब खड़ी कर दी, और अब करेगा इसकी धुलाई। गाइस मेरे को चाबी भी नहीं देता, ये बोलता है भाई तू बीमार है, तू बाइक मत चला। मेरे को देखो भाई खुद ही भाई गले में टांग के लेके जा रहा है, कभी मैं इसकी चाबी ले ना लूँ। भाई कोई बात नहीं, हम तो नहीं चलाएंगे भाई, हम तो गरीब आदमी हैं, कोई बात नहीं भाई तू धुलाई कर। यार गाइस आपको ना एमटी की एक चीज़ बताता हूँ, ये ना इसकी एलोए ऑरेंज कलर की जो एलोए ना यार, ये गंदी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। पिछली वाली देखो, पिछली वाली ना मतलब ऐसे ब्लैक ब्लैक सी हो गई थी। अब इसमें ना कपड़ा भाई जब भी धोना तो कपड़ा मारना ज़रूरी है इस पर, और धोने के बाद तो भाई क्या चमकेगी। एक बार इसको ना मैं धुलाई कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको धुलाई करके एक बार फटाफट से। गाइस धोने के बाद देखो अपनी बाइक कैसे लग रही है, ये देखो गाइस लग रही है ना एकदम जहर। यार मेरे को ना ये बताओ आप, तुम्हें ना बाइक आ गई अपनी, आई मॉडिफिकेशन करवाऊँगी नहीं? आई को मैं सोच रहा था मॉडिफिकेशन करवाऊँगा कि नहीं यार, वो मेरे को चेक करना था थोड़ा सा। अब बाकी तो अपन देखते हैं, मॉडिफिकेशन की बात तो बाद में है, ठीक है। पहले तो मेरे को इस पर रैप करवाना है यार, रैप का मेरे को तुम यार कमेंट करके बताओ यार कैसे मैं इस पर रैप करवाऊँ। एंड वो खड़ी अपनी बीस्ट कैसी लग रही है भाई एक बार बताओ, हैं। और इसका अलॉय में भी चेंज करवाने वाला था, बाकी तुम यार कमेंट करके बता देना जो भी मेरे को इसमें करवाना चाहिए कि नहीं, ठीक है। बाकी तो अपनी ये बीस्ट खड़ी धुलाई वुलाई हो गई है, अब रिहान पता नहीं कहाँ भाग गया। यहीं पर एंड, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।